स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने फॉर्म टैग लिया, कल डिस्कस कर रहे थे फॉर्म, उसी में आगे थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं। कुछ छोटे छोटे टॉपिक रह गए थे, हमने बताया था कि यहाँ पर मेथड, दो तरह से मेथड ले सकते हैं। कौन कौन से मेथड ले सकते हैं? फॉर्म को सबमिट करने की, ध्यान रखना, फॉर्म को सबमिट करने की दो टेक्निक्स है मेरे पास, गेट मेथड और पोस्ट मेथड। इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं, गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है, इंपॉर्टेंट आपको। ठीक है, और एक देते हैं हम यहाँ पर एक्शन। एक्शन में क्या होता है, कोई बताएगा? जब आपका फॉर्म सबमिट हो तो डेटा कहाँ जाएगा, किस हाँ पे स्टोर हो उसका। पेज पे हमें आपका डेटा कहाँ पर सेंड करना है, तो हम एक्शन में उस पेज का पाथ स्पेसिफाई करेंगे। कल मैंने तुम्हें एक दो वेबसाइट का दिखाया था। ठीक है, चलो चेक करते इसमें, देखो। अच्छा, कल हमने पढ़े थे इनपुट टाइप। एक इनपुट टाइप होता है आपका, ये आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग है, एक होता है रेंज। ठीक है, कुछ ब्राउजर इसको सपोर्ट करते हैं रेंज को, कुछ सपोर्ट नहीं करते। इसकी वैल्यू दे दी, सपोज मैंने वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं आप, 100 दे दो, तो उसे चेक करते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपका एक ये आ जाएगा, एक रेंज आ जाएगी। आपने देखा होगा कि आजकल अमेज़ॉन की साइट पे आप 50 50 कितना करना चाह रहे हो। ठीक है, हम यहाँ पर एक वैल्यू असाइन कर देंगे, इसकी जो वैल्यू है यहाँ से 0 से लेके 100 है, कहाँ से स्टार्ट हुई, 0 से लेके 100 तक। ठीक है, मैंने यहाँ 100 दे रखा है, अगर मैं यहाँ 50 दे दू, ये इस टाइम कर्सर कहाँ है, 50 पे है, बाय डिफॉल्ट 50 पाएगा। लेकिन अगर मैं इसको 75 देता हूं, तो वैल्यू इसकी जो वैल्यू है 75 रहेगी, ये यहाँ पर आ गया 75, यहां से लेके यहां तक बैठेगा 75। तो ये रेंज से आया आपका, तो इस तरह से आप इसको भी लगा सकते हैं अगर आपको नीड है अपनी वेबसाइट। ठीक है, ये आपका रेंज से आया, समझ रहे? एक एट्रीब्यूट होता है आपका आउटपुट। सर 100 के ऊपर नहीं हो सकते वैल्यू? 100 से ऊपर भी दे सकते हो आप, इसको 1000 दे दी, लेकिन ये लास्ट में रहेगा, ये लास्ट में रहेगा 100 से, ये 1000 है इसका मतलब। ठीक है, ये यहां से चला 0 और यहां तक चला है 1000, यहां तक का 1000 माना जाएगा, अभी ये 1000 है। ऐसे एक होता है इसमें आउटपुट टैग, ये आउटपुट टैग वैसे तो अभी काम नहीं करेगा, है ना? आउटपुट टैग के लिए इसमें हम नेम दे दो उसका, कुछ भी नाम दे दो सर, सपोज मैंने दे दिया एक्स, ये जावास्क्रिप्ट के साथ चलता है, समझ रहे? इफेक्ट इसका कुछ दिखाई देगा, ये देखो एक आउटपुट टैग होता है, ये आउटपुट शो करने के लिए है, समझ रहे? मैं इसको जावास्क्रिप्ट से बताऊंगा आउटपुट टैग, फिलहाल इसे यहीं रहने दो, इसका कोई इफेक्ट नहीं आने का आपके पास। ठीक है जी, एक होता है इनपुट टाइप, टाइप आपका नंबर, नंबर भी दे सकते हो, नंबर नंबर से इफेक्ट पड़ेगा, ये आपका आ जाएगा इस तरह से, ये देखो इस पर क्लिक करो, ये प्लस माइनस इस तरह से स्टार्ट, समझ रहे? आप इसमें वैल्यू भी दे सकते हो, वैल्यू जैसे मैंने वैल्यू दे दी 25, क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू 25 आएगी, अब इसे प्लस माइनस करेंगे तो 25 से ऊपर बढ़ेगा और 25 से माइनस घटेगा, ये तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू इस फील्ड की क्या है, 25 है। जब भी रिफ्रेश करोगे इसमें बाय डिफॉल्ट 25 आएगा, ये किससे है आपका, नंबर से। क्लियर है? बीआर टैग लगा देता हूँ, कुछ एट्रीब्यूट्स थे ऐसे ही। एक इनपुट टाइप होता है आपका ईमेल, ईमेल नेम दे देते हैं कुछ भी, ईमेल ही दे देते हैं। एक इसमें ले लेते हैं
पुट टाइप सबमिट, ये जो मेल वाला है इससे समझ में आएगा तुम्हें, इनपुट टाइप सबमिट। अब देखो मैंने रिफ्रेश किया, ये आपका ई मेल का है, ऐसे ही आ रहा है जैसे टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है। इसमें एक बीआर टैग लगा लेते हैं जिससे अलग हो जाए इससे। आ रहा है देखो, जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, इसमें मेथड दे देते हैं, मेथड दे देते हैं, टाइप सबमिट। ये वैल्यू ले लिया, ठीक है। इनपुट टाइप वैसे तो ये मेल ही था, इसमें दिखा नहीं रहा, पता नहीं क्या चक्कर है। मैं दूसरे वेब ब्राउजर में ट्राई करता हूँ उसको, एक मिनट में जो चीज दिखाना चाह रहा हूँ तुम्हें। ओपन इसमें भी काम कर नहीं रहा है। इसमें पता क्या होता है, ये है ना, हम इसको जैसे सबमिट क्लिक करेंगे, हाँ ये देखो जैसे मैंने ये है, हमने ये लिखा वीके सिंह 087, इसमें ट्राई करते हैं, खाली सबमिट करता हूँ। अब देखो ये प्लीज एंटर एन ईमेल एड्रेस, ये पॉपअप बॉक्स आ गया, ये इसको क्रोम में भी चल जाएगा, ठीक है। इसको मैं क्लोज करता हूँ, दोबारा दिखाता हूँ। एक मिनट रुको, फोन ये हो गया। अब मैंने यहाँ पर लिखा VKSINGH, इसमें एट द रेट लगाना भूल गया मैं, ठीक है। मैंने जैसे सबमिट पे क्लिक करा, इसने वार्निंग दे दी, ये कह रहा है कि प्लीज इंक्लूड एट द रेट इन द ईमेल, क्योंकि हर ईमेल के अंदर है ना एट द रेट आता ही आता है। एक मिनट, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर जैसे मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ, ये फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा, देखो ऊपर यूआरएल में है ना, ये कह रहा है कि एक वार्निंग दे दी, इसको बोलते हैं वैलिडेशन। तो ये जो वैलिडेशन है बाय डिफॉल्ट मेल के साथ आया, ठीक है। तो हम वैलिडेशन लगाना सीखेंगे किसमें, आपके जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। लेकिन आपको जैसे ईमेल लिया मैंने, इनपुट टाइप का क्या लिया, ईमेल, इसको ओपन कर देते हैं, इसमें जैसे ये ले लिया हमने ईमेल, ईमेल में आप बाय डिफॉल्ट आपको वैलिडेशन मिलेगा अगर आप इनपुट टाइप ईमेल दोगे। लेकिन अगर आप इनपुट टाइप टेक्स्ट लोगे तो आप लिखो या ना लिखो, फिर समझ रहे, जैसे सबमिट करूंगा ये कह रहा है कि एट द रेट लगाओ, क्योंकि हर ईमेल में एट द रेट आता है। चलो एट द रेट लगा देते हैं जी मेल, अब चेक करते हैं, अब सही है ईमेल आईडी, चेक करते हैं, हाँ अभी सही बता रहा है। लेकिन इसमें डॉट कॉम आना चाहिए, डॉट भी आना चाहिए, समझ रहे, उसके लिए इसमें वैलिडेशन नहीं है। तो हम वैलिडेशन लगाना सीखेंगे किससे, जावास्क्रिप्ट से। जैसे नंबर है, इसमें मैंने लिख दिया ए, ये देखो इसमें ए लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लिखा नहीं जा रहा, लेकिन मैं जैसे टू लिख रहा हूँ टू लिखा जा रहा है। मैं कोई जी कुछ भी प्रेस कर रहा हूँ, कोई भी कैरेक्टर, लेकिन ले नहीं रहा है नंबर, ये वाला ये सिर्फ नंबर लेगा। लेकिन जैसे सेवन प्रेस करूंगा, इसमें सेवन आ गया, ठीक है। तो ये नंबर की प्रॉपर्टी है, सिर्फ नंबर ही लेगा, ये सिर्फ ईमेल ही आईडी लेगा, एट द रेट लगाएंगे तो ये सबमिट हो जाएगा फॉर्म, ठीक है। इनकम्प्लीट बता रहा है, इसमें एट द रेट के बाद कुछ लिखना पड़ेगा, अब सही हो, एट द रेट के बाद कुछ आता है टेक्स्ट, तो यहां तक का वैलिडेशन है। तो इस फील्ड में आपको बाय डिफॉल्ट कुछ वैलिडेशन मिल जाएगा, इनपुट टाइप ईमेल लेने से। तो ये हमारे कुछ टैग्स थे है ना, हमने इनको यूज करना सीखा। अब थोड़ा सा इस जितना भी अपना फॉर्म बनाए उनको थोड़ा स्टाइलिश बनाते हैं। आपको करना क्या है, जितने भी टैग्स आपने अब तक लिए हैं इन सबको आपको उसमें लेना है,
टेबल के अंदर। तो कैसे लेंगे वो देखते हैं। देखो हम क्या करते हैं, एक इसी फॉर्म के अंदर, इस फॉर्म के अंदर एक टेबल लेते हैं, टेबल स्लैश टेबल, ठीक है। इस टेबल के अंदर हमने पहला टी आर लिया स्लैश टी आर, दो टी डी लेते हैं, टी डी स्लैश टी डी, ठीक है। इसी को कॉपी कर लेते हैं, एक में लिख दिया मैंने यूजर और इसमें ले लिया इनपुट, इनपुट टाइप कुछ भी ले लो, जैसे मैंने ले लिया टेक्स्ट, टेक्स्ट ठीक है। नाम दे दो, नाम जरूर दे दो, इसका नाम दे दिया यूजर, ठीक है। इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, आपकी एक टेबल बनेगी, चेक करते हैं, ये आ गया यूजर और ये इसके साथ। ऐसे ही आपको बी आर लगाने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी टी आर लेता हूं मैं, टी आर स्लैश टी आर टेबल रो, दो टी डी लेते हैं स्लैश टी डी, इसमें लिखते हैं पासवर्ड, ठीक है, टी डी इसमें ले लेते हैं स्लैश टी डी, बंद करने के अंदर, करने के बाद इनपुट टाइप, इनपुट टाइप इसमें ले लेते हैं पासवर्ड, पासवर्ड नेम जरूर देते हैं, नेम नाम दे देते हैं इसका पीडब्ल्यू डी। क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये एक सही फॉर्म में आएगा सारा का सारा, ये देखो यूजर नेम उसी के जस्ट नीचे पासवर्ड, सिस्टमेटिक आएगा। तो सर इसमें फॉर्म बनाने में जो हम का कोई यूज नहीं होगा सर, अगर हम टेबल के अंदर ये फॉर्म बनाएंगे तो ले लो यहाँ पर लेबल ले लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का, ये लेबल ले लो, लेना चाहो ले लो, मर्जी आपकी, ठीक है, तब भी कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं। लेबल ले लो, लेबल भी ले सकते हैं, लेबल ले लो, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, आप लेबल भी ले सकते हो। इसी तरह से एक टी आर ले लो, तो आपको करना क्या है, टेबल के अंदर ले लो सारे का सारा काम, इससे आपकी जो टेबल है थोड़ी सिस्टमेटिक बन जाएगी। टी डी है ना, लेबल ले लिया हमने डी ओ बी स्लैश टी डी, इसी के अंदर लेते हैं दूसरा टी डी स्लैश टी डी, लेते हैं इनपुट टाइप, इनपुट टाइप, इनपुट टाइप ले लेते हैं इसमें डेट, ठीक है, डेट ये आपका डेटा है सिस्टम, मतलब एक के बाद एक नीचे आते चले जाएंगे इस तरह के साथ, ठीक है। अगर मैं टेबल को बॉर्डर दे दूं, बॉर्डर टू दे दूं, तो चारों तरफ इसके बॉर्डर आ जाएगा, ये देखो चारों तरफ बॉर्डर आ गया, ये आपकी टेबल बन जाएगी इस तरह से। तो आपके जितने भी फील्ड्स हैं आप बी आर के अंदर इस तरह से ले सकते हैं, तो आपको बार बार बी आर टैग लगाने की जरूरत नहीं, ये भी एक अप्रोच है आपके पास, समझ में आया। एक ले लेते हैं मैसेज, मैसेज के लिए ले लेते हैं यहाँ पर टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया टेक्स्ट एरिया, ठीक है, जो टेक्स्ट एरिया है वो टेक्स्ट एरिया भी आ जाएगा आपका। थोड़ा सा इसको रोज बढ़ा देते हैं, रोज रोज दे देते हैं, सिक्स रोज के इक्विवेलेंट आ जाएगा, ये आ गया छह रो आ जाएगी इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टाइलिश से बना सकते हो। और इस फॉर्म को ले लो आप, एक टैग होता है हमारा सेंटर,
फॉर्म को सेंटर के अंदर बंद कर दो, सेंटर तो सेंटर में, ये सेंटर में ले लिया सारा इसका, तो आपका फॉर्म सेंटर में आ जाएगा बीचों बीच। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टाइलिश फॉर्म बना सकते हो, ज्यादा स्टाइलिश तो है नहीं। मतलब सर HTML में मतलब एक काम को करने के हमारे दो तीन अप्रोच हो सकते हैं। हाँ बहुत सारी हैं, अभी मैंने तुम्हें डिवीजन टैग नहीं बताया, जैसे हमारा अभी एक डिवीजन टैग बताएंगे, सारा काम हम डिवीजन में ही करेंगे। ठीक है, उसमें देखेंगे कैसे करेंगे। बूट स्ट्रैप आएगी आपके पास, जब आप बूट स्ट्रैप पढ़ोगे तो नई अप्रोच होगी कोई। ठीक है, मतलब एक काम को करने के अलग अलग तरीके हैं। मैंने इसमें ले लिया जैसे इनपुट टाइप ले लिया सबमिट, ठीक है, यहां पर भी ले लेते हैं इनपुट टाइप, एक लेते हैं रीसेट। ठीक है, दो बटन आ जाएंगे आपके सबमिट का रीसेट। इस तरह से आप अपना फॉर्म स्टाइलिश बना सकते हैं टेबल के अंदर। टेबल में आपको बार बार बीआर लगाने की जरूरत नहीं है। ये समझ में आया सभी की? देखो दोबारा देख लो, फील्ड सेट से क्या होगा, आपको फॉर्म के चारों तरफ बॉर्डर आएगा। ये फॉर्म सेट है, जो फील्ड सेट है, ये फॉर्म के बाद और आपके फॉर्म के क्लोज होने से पहले लगेगा। ठीक है, और इसमें चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगा, ये चारों तरफ देखो ये बॉर्डर आ गया। ठीक है, और लेजेंड से क्या होगा, लेजेंड से ये जो आपने लिखा है यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये लेजेंड से लिखा आएगा इस तरह से, समझ रहे। सेल्फ क्लोजिंग टैग की ये आपको प्रैक्टिस से पता लग जाएगा, सेल्फ क्लोजिंग टैग कौन कौन से हैं, मैं बताता रहता हूं ना बीच बीच में कौन से सेल्फ क्लोजिंग टैग है, कौन से पेयर्ड है, समझ रहे। ये आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे सारे। इनपुट टैग है, सेल्फ क्लोजिंग है, इसे क्लोज करो ना करो या बाद में स्लैश लगा दो, जैसे यहां लगा रखा है स्लैश। ठीक है, टेक्स्ट एरिया है, सेल्फ क्लोजिंग नहीं है, पेयर्ड टैग है, इसका ओपन एंड क्लोज दोनों है। क्लियर है? ओके, ये था हमारा फॉर्म के बारे में। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इसका गेट एंड पोस्ट के बारे में। ठीक है, आप फॉर्म टैग यूज करते हो, फॉर्म टैग लिखते हो, तो मैसेज फॉर्म, फॉर्म को क्लोज किया। ठीक है, यहां पर आप लिखते हो मेथड, यहां पर या तो आप गेट लिख सकते हैं और क्या आ सकता है, यहां पर आ सकता है पोस्ट, दो आ सकते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट, गेट एंड पोस्ट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, कल वैसे मैंने बताया था आपको गेट एंड पोस्ट के बारे में, जितना भी डेटा आप फॉर्म के अंदर भरते हो, एक मिनट, हाँ, अगर आपका फॉर्म जो सबमिट कर रहे हो आप, जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे, अगर आपने मेथड गेट कर रखा है, तो सारा का सारा डेटा आपको कहां पर नजर आएगा बताएगा कोई? डेटा इज सर जो हमारा URL होगा उसमें आएगा सर, विजिबल होगा, डेटा इज विजिबल इन URL में विजिबल होगा। बट अगर मैंने मेथड पोस्ट यूज किया, डेटा इज नॉट विजिबल इन URL, इनविजिबल, नॉट विजिबल इन URL, पहला डिफरेंस हो गया आपका, ये क्लियर है, ये कल मैंने बताया था। दूसरा, जो डेटा URL में दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब डेटा आपका क्या हो गया, सिक्योर है, अनसिक्योर है, अनसिक्योर, अनसिक्योर है ना, आपका डेटा अनसिक्योर हो गया। और अगर आप मेथड पोस्ट कर रहे हो तो आपका डेटा क्या है, सिक्योर है, सिक्योर। ठीक है, दूसरा, हाँ, तो दूसरा डिफरेंस ही हो गया हमारा। ठीक है जी, नेक्स्ट जो डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान से सुनना, अब आपकी जो परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए, आप देखना
अब एक चीज एक पॉइंट बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। हम जो इसके थ्रू डेटा भेज सकते हैं गैट के, मैक्सिमम 256 कैरेक्टर्स भेज सकते हैं। कितने? 256 कैरेक्टर भेज सकते हैं गैट के थ्रू, समझ रहे हैं? अगर आपको फॉर्म सबमिट करना है, अगर आपके फॉर्म में 256 से ज्यादा कैरेक्टर है तो ये इसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, लेकिन 256 तक इसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी? बढ़िया रहेगी। लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर आपका मेथड पोस्ट है, पोस्ट मेथड में हम अनलिमिटेड कैरेक्टर्स सेंड कर सकते हैं। इसमें अनलिमिटेड कैरेक्टर्स, जैसा आप फॉर्म सबमिट करते हो ना, ये देखो जैसे मैं यही फॉर्म है, ये मेथड आपने गेट ले रखा है, सपोज ये गेट लिया, और मैं इस फॉर्म को सबमिट करता हूँ, कंटिन्यू यहाँ पर लिखता हूँ पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, मैसेज, हेलो, सबमिट किया, आपका डेटा यूआरएल में दिखाई दे रहा है। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये टोटल, ये कैरेक्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं, ये 256 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ये कैरेक्टर्स आपके 256 से मैक्सिमम नहीं होने चाहिए। तो गेट मेथड में हम मैक्सिमम 256 कैरेक्टर सेंड कर सकते हैं, क्लियर है? लेकिन पोस्ट मेथड में हम अनलिमिटेड कैरेक्टर सेंड कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा, जो हमारा मल्टीमीडिया डेटा है, मल्टीमीडिया डेटा, मल्टीमीडिया मतलब जैसे वीडियो है ना, डॉग फाइल्स, पीडीएफ फाइल, इमेजेस, ऑडियो, ये सब क्या है, एक्सेट्रा, ये हमारे मल्टीमीडिया डेटा है। हम मल्टीमीडिया डेटा को गेट मेथड के थ्रू नहीं सेंड कर सकते, समझ रहे? मल्टीमीडिया डेटा नॉट सेंड थ्रू गेट मेथड के थ्रू मल्टीमीडिया डेटा नहीं सेंड कर सकते। मल्टीमीडिया डेटा कौन सा? ऑडियो, वीडियो, सारी चीजें हम सेंड नहीं कर सकते। सपोज आपको रिज्यूमे अपलोड करना है, फॉर्म है, उस फॉर्म में रिज्यूमे अपलोड करना है, ठीक है? रिज्यूमे को जैसे अपलोड करेंगे तो अपलोड ही नहीं होगा अगर आपका मेथड गेट है। कोई बताएगा रीजन क्या है इसका? तो क्योंकि रिज्यूमे हमारे या तो वर्ड फॉर्म में होगा या पीडीएफ में होगा या डॉक में होगा। नहीं, क्यों नहीं जाएगा? तो क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करता ना गेट। रीजन क्या है एक्सेप्ट नहीं करता? क्योंकि अनसिक्योर है। अनसिक्योर है, ऐसे तो कहीं भी चला जाएगा। जी सर, लिमिटेड 256 कैरेक्टर की आपकी, इसकी जो लिमिटेशन है 256 कैरेक्टर की है, इसकी जो लिमिटेशन है 256 कैरेक्टर है। और आपकी जो वीडियो है, वीडियो जब उसमें कन्वर्ट होगी, आपकी स्ट्रीम में कैरेक्टर्स में कन्वर्ट होगी, क्योंकि आपका सारा डेटा है ना यूआरएल के थ्रू कैरेक्टर्स में जाएगा, चाहे आपकी वीडियो हो चाहे ऑडियो हो, है ना? जैसे सपोज ये आपका फॉर्म है, जब भी आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ सपोज आपने फाइल अपलोड करा रखी है, कोई फाइल जब जाएगी यहाँ पर कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी यूआरएल में, तो वो जो कैरेक्टर होंगे 256 से ज्यादा हो जाएंगे। जब 256 से ज्यादा हो जाएंगे तो आपके मल्टीमीडिया डेटा जो है इनका साइज ज्यादा होता है और इनमें कैरेक्टर 256 से ज्यादा हो जाएंगे, उसको सपोर्ट ही नहीं करेगा ये, है ना? तो ये जो आपका गेट मेथड है मल्टीमीडिया डेटा को सपोर्ट नहीं करता, समझ रहे? इसमें क्या है, और जो दूसरा है, ये मल्टीमीडिया डेटा को, जो मल्टीमीडिया डेटा है उसको सपोर्ट करता है ना, ये सपोर्ट करता है मल्टीमीडिया डेटा। मैंने बता दिया वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, है ना, रिज्यूमे, एटसेट्रा। तो अगर आप अपने कहीं पर भी प्रोग्रामिंग के अंदर, जैसे मैंने यहां पर एक फाइल ले ली, सपोज यहीं पर ले लेता हूं, इनपुट टाइप यहीं पर ले लेते हैं, इनपुट टाइप, टाइप
मैंने ले लिया फाइल, फाइल ले लिया ठीक है, और यहाँ पर मेथड जो ले लेते हैं हम, यहाँ पर मेथड मैंने कौन सा ले रखा है, गेट ही ले रखा है ठीक है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप चूज फाइल का ऑप्शन आ गया, तो मैं यहाँ से कोई फाइल सिलेक्ट करूंगा सपोज यही फाइल है, तो ये फाइल जाएगी नहीं, जैसे सबमिट करूंगा ये एरर दे देगा आपका ठीक है, ये पेज पे अभी तो कुछ नहीं दिखा रहा है ना, जैसे सबमिट करूंगा सबमिट नहीं होगी आपकी फाइल, ये लेके नहीं जाएगा वहां पर, डेटा ही नहीं पहुंचेगा, आपकी फाइल ही नहीं जाएगी, समझ रहे, तो ये दिक्कत रहती है गैट के साथ। तो गैट के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये क्या, मल्टीमीडिया डेटा सेंड नहीं कर सकते ठीक है। दूसरा परफॉर्मेंस वाइज कौन सा बढ़िया है, गैट या पोस्ट? पोस्ट। गैट। गैट या पोस्ट परफॉर्मेंस वाइज? पोस्ट। फास्ट है सर। फास्ट नहीं है, पोस्ट। परफॉर्मेंस वाइज वेरी गुड, क्योंकि 256 कैरेक्टर लेके जाने से तो कुल, तो उसकी तो परफॉर्मेंस वैसे ही बढ़िया होगी, और ये क्या होगा यहां पर हम डेटा हैवी लोड करेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी, परफॉर्मेंस ओनली गुड, वो वेरी गुड है या ओनली गुड है ठीक है, तो ये इसमें मेजर डिफरेंस है। गेट एंड सर, हाँ यस, समझे, सेम डेटा को कैसे ट्रैवल करना है, तो टाइम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए परफॉर्मेंस आपका गेट गुड है, लेकिन इसकी लिमिटेशन है, हम इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि डेटा यूआरएल में विजिबल होगा, क्योंकि जो हैकर्स होते हैं सर यूआरएल पे अटैक करते हैं सबसे पहले, अनसिक्योर है सर। अगर हमारे पास यस बताइए सर परफॉर्मेंस है ना, तब भी गेट की परफॉर्मेंस बेटर रहेगी। अब देखो क्यों, आपका जो डेटा है ना, आप सुनो ध्यान से, ये कह रहे हैं कि गेट के थ्रू हमने भी 250 कैरेक्टर सेंड करे और पोस्ट के थ्रू भी हमने 250 कैरेक्टर सेंड करे ठीक है, इस पॉइंट को समझते हैं। जैसे आपने 250 सेंड करे वो यूआरएल में एज इट इज दिखाई देंगे, लेकिन यहां पर आपने एक वर्ड जोड़ा कि पोस्ट में सारा डेटा क्या रहता है, सिक्योर रहता है। सिक्योर रहने का मतलब है कि जो आपने डेटा सेंड करा वो किसी दूसरे फॉर्मेट में इनक्रिप्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जिससे अगर हैकर के हाथ लगे ओरिजिनल डेटा ना लगे, है ना। तो आपका जो डेटा था, ओरिजिनल जो डेटा था, सपोज ये आपका ओरिजिनल डेटा है, ओरिजिनल डेटा, ओरिजिनल डेटा आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इनक्रिप्टिंग फॉर्म में, इनक्रिप्टिंग फॉर्म में, इनक्रिप्टिंग में, जब इनक्रिप्ट में कन्वर्ट होगा तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा पहले और जो गेट में क्या है, गेट में ओरिजिनल जो डेटा है, ओरिजिनल डेटा वो एज इट इज जा रहा है, वहां पर कोई इनक्रिप्शन नहीं हो रही, कोई डेटा चेंज नहीं हो रहा, समझ रहे, वहां पर ओरिजिनल डेटा है वो ही जाता है, लेकिन यहां पर क्या है, आपका डेटा इनक्रिप्टिंग फॉर्म में चेंज होके जाएगा। जैसे आपने किसी को पासवर्ड लिखा, पासवर्ड लिख दिया तुमने 1 ABC, सपोज यहां पर लिखता हूं मैं ABC 123, तो वो ये पासवर्ड आपको जब पोस्ट के थ्रू भेजोगे तो ये चेंज हो जाएगा किसी और फॉर्मेट में, है ना, कुछ इस तरह से आ जाएगा #$, है ना, इस तरह से .123 इनक्रिप्टिंग हो जाएगा। अगर किसी के हाथ भी लग गया ये डेटा तो वो ये जो डेटा है उसको ब्रेक करने में कई साल लग जाएंगे सर, ओरिजिनल पासवर्ड को। अब ये नहीं पता कि कौन सी एल्गोरिथम हमने यूज करी इसको इसमें चेंज करने में, तो अगर हैकर्स के हाथ लगा भी तो ये लगेगा आपका ये वाला डेटा ठीक है। तो यहां पर कन्वर्जन हो रहा है, डेटा जो ओरिजिनल डेटा जो आप सबमिट कर रहे हो उसको इनक्रिप्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, और इनक्रिप्ट में करने के बाद आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा, परफॉर्मेंस डाउन होगी, समझ में आया। यहां पर कोई चेंज नहीं होता, जो डेटा था एज इट इज सेंड करते हैं, ओरिजिनल डेटा ही सेंड करते हैं, इसलिए ये अनसिक्योर है, आपका डेटा क्या है, अनसिक्योर है। यहां सिक्योर क्यों है, आपका डेटा किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये डेटा आपका किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इनक्रिप्टिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, समझ में आया पॉइंट। और यहां पर इस तरह का कोई कन्वर्जन नहीं है, परफॉर्मेंस इस वजह से कम है यहां पर ठीक है, यहां पर कन्वर्जन है, यहां पर कन्वर्जन नहीं है, कुछ भी कन्वर्जन नहीं है, तो कन्वर्जन में भी टाइम लगेगा ऑब्वियस ठीक है। तो ये हमारे दो तरह से हम फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, गेट एंड पोस्ट के थ्रू ठीक है जी।
तो ये कुछ मैंने फॉर्म्स के बारे में बताया, फॉर्म कैसे डिजाइन करते हैं, ये हमारा फॉर्म्स के बारे में। ठीक है जी, इसमें हम आपको एक टास्क देते हैं। अच्छा, कुछ छोटी छोटी चीजें हो रहे हैं वो भी बता देता हूँ। सपोज आपने वेबसाइट्स पे कुछ एरर्स देखी होंगी, है ना, कई एरर आती है, 404 एरर, 505 एरर, समझ रहे। जो एरर आपकी 100 से स्टार्ट होंगी और 199 तक होंगी, वो सारी की सारी एरर होंगी इंफॉर्मेशन रिलेटेड, इंफॉर्मेशन रिलेटेड। ठीक है, कुछ मैसेज आते हैं 200 से लेके आपके 299 तक, ये मैसेज बताते हैं आपको सक्सेसफुल के लिए, समझ रहे हैं, किसके लिए, सक्सेसफुल के लिए। जैसे आपने कोई डेटा ट्रांसफर किया, डेटा गया नहीं गया, अब जो प्रोग्रामर है कैसे पता करता है, इन कोड से, है ना। अगर आपका कोड 200 और 299 के बीच में, तो आपका डेटा यानी कि सक्सेसफुल चला गया। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है, तो आपका अगर मैसेज में एरर आ गई, जैसे हम देखते हैं ना एरर 404, है ना, 509, कुछ इस तरह से, तो जितनी भी एरर आपकी 300 से स्टार्ट होके आपकी 399 तक होंगी, ये सारी एरर किससे रिलेटेड होंगी, रिडायरेक्ट मैसेज के लिए, रिडायरेक्ट मैसेज के लिए। अभी फिलहाल इनको रट लो, क्योंकि अभी ये तुम्हारे समझ में नहीं आएंगी, लेकिन कोशिश करूंगा कि तुम्हें समझाने की। ठीक है, एक होती है आपकी 400 से, सॉरी, एक एरर होती है आपकी 400 से लेके आपकी 499 तक, समझ रहे, ये होते हैं क्लाइंट साइड एरर, क्लाइंट साइड एरर, क्लाइंट साइड एरर के लिए होती है। जैसे 404 है, 403 है, जैसे आपने क्या किया, सपोज आपने इंटरनेट बंद करना आज घर जाके और गूगल खोलना, तो एक एरर आएगी, पेज कैन नॉट फाइंड, और एक नंबर आएगा 403 करके कुछ, है ना, पेज नॉट फाउंड करके कुछ इस तरह से आएगा। तो ये जितनी भी होती है हमारी गलती की वजह से होती है, क्लाइंट साइड की, गलत URL डाल दिया, समझ रहे, मतलब हम गलती करेंगे सारी की सारी। एक एरर्स होती हैं जो स्टार्ट होती है आपकी कहां से, 500 से लेके 599 तक, ये होती है सर्वर साइड एरर, सर्वर साइड एरर। आपने देखा भी होगा सर्वर साइड एरर, सपोज आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, समझ रहे, फॉर्म भरते हुए आपका सर्वर डाउन हो गया, डाउन हो गया, तो सर्वर पे एरर आ गई 505, तो उसका मतलब है कि प्रॉब्लम आपकी तरफ नहीं है, सर्वर पे दिक्कत है। तो आपको कोई पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपकी दिक्कतें 40 से लेके 499 तक आ रही है, तो हो सकता है कि आपकी साइड दिक्कत है, आप कुछ गलती कर रहे हो, कोई नाम गलत भर रहे हो, है ना, रिक्वेस्ट सही नहीं भेज रहे हो, डेटा सही नहीं भेज रहे हो, तो ये जो 40 से 499 तक की एरर आएगी आपकी साइड आएगी, आपकी गलती की वजह से। और जो सर्वर पे दिक्कत होंगी वह एरर होंगी आपकी 400 से, सॉरी 500 से 599 के बीच में, समझ रहे सर। तो आपने देखा होगा कि कोई सर्वर बिजी हो जाता है कभी कभी, तो एरर आती है 505 और 503, कुछ इस तरह से। तो ये कुछ तरीके हैं इनको फाइंड करने का, ये मैंने PDF में लिख रखे हैं, तो आप इनको एक बार ऑब्जर्व कर लेना, थोड़ा ध्यान से देख लेना, है ना। तो ये कुछ मैंने बताया आपको, गेट पोस्ट बताया, फॉर्म बता दिया, ठीक है। अच्छा, एक प्रोटोकॉल होती है आपकी, थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं, HTTP प्रोटोकॉल, एक होती है आपकी HTTPS प्रोटोकॉल। S यहां पर जो डिनोट कर रहा है सिक्योरिटी को डिनोट कर रहा है, ठीक है, यह आपकी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसे आप फॉर्म सबमिट करते हो, फॉर्म के अंदर ये जितना सारा का सारा डेटा है, इस डेटा को लेके कौन जा रहा है, आपने जैसे सबमिट किया फॉर्म, इस फॉर्म का सारा डेटा जो यूजर नेम, पासवर्ड है, डेट ऑफ बर्थ है, मैसेज है, इस डेटा को लेके कौन जा रहा है, आपकी HTTP प्रोटोकॉल होती है, ये सारा डेटा ट्रांसफर करती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल।
इसके नाम से ही पता लग रहा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। समझ रहे हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मतलब जो भी आपका मल्टीमीडिया डेटा है सारा का सारा, ये हाइपर टेक्स्ट है ना, इसको ट्रांसफर करना है किसकी हेल्प से? एक प्रोटोकॉल की हेल्प से। प्रोटोकॉल कौन सी? आपकी HTTP प्रोग्राम है, उसकी हेल्प से सेंड करते हैं। समझ में आया? जो हाइपर टेक्स्ट HTTP है, HTTP जो प्रोटोकॉल है आपकी, ये दो मेथड को सपोर्ट करती है, ये गेट को सपोर्ट करती है और पोस्ट को सपोर्ट करती है। वैसे तो और भी मेथड है, ले वो एडवांस जब कभी टेक्नोलॉजी पढ़ोगे तुम, या तो पाइथन या GSP सर्वर है ना, या फिर आप PHP पढ़ोगे, तो वहां पर और भी मेथड्स हैं। समझ रहे हैं? वहां पर फाइल है, रिक्वेस्ट है ना, बहुत सारे मेथड्स हैं, रिक्वेस्ट है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है, 7-8 मेथड होते हैं। लेकिन अभी तो फिलहाल जो तुम्हें कंसंट्रेट करना है गेट एंड पोस्ट का करना है। गेट और पोस्ट मैंने तुम्हें डिफरेंस बता दिया क्या है, अभी एडवांस जावा या एडवांस PHP पढ़ने को मिलेगी, तब ये जो और भी मेथड हैं जिनको HTTP प्रोटोकॉल सपोर्ट करती है, समझ रहे? तो ये आपका असाइनमेंट है कि आपकी जो HTTP प्रोटोकॉल है कितने मेथड्स को सपोर्ट करती है, हाउ मैनी मेथड्स इट विल सपोर्ट, कितने मेथड्स हैं जिनको ये सपोर्ट करती है, ठीक है? HTTP प्रोटोकॉल हाउ मेनी मेथड्स इट विल सपोर्ट, एक क्वेश्चन सर्च करके लाना है, उनके नाम मुझे आप ग्रुप में भेजोगे, नेट पे सर्च करना है आपको। क्लियर है? चलो आज इतना ही रखता हूँ।